नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक साथ तीन नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन जारी किए। हम आपको बताने वाले इस वीडियो में किस भर्ती में कौन सी पोस्ट है, क्या योग्यता है, क्या उम्र की सीमा है, पूरी जानकारी आपको इस तीनों विज्ञापन के बारे में हम देने वाले हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें, ये आवेदन का डिटेल और जानकारी आपको कहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको मिलेगी रोजगाररिजल्ट.com पर। एक ट्रस्टेबल एक पुरानी वेबसाइट रोजगाररिजल्ट.com आपको खोलना है और टॉप ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन में आपको मिल जाएगी। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ जिसका नाम है सरकारीरिजल्ट.com। गूगल पर जब भी आप सरकारी लिखते हैं, चेक कीजिए जो वेबसाइट खुली उस पर .com लगाएगी नहीं, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी नकली वेबसाइटें भी उपलब्ध है। सीधा सबसे पहले क्लिक करते हैं यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर फॉर्म पे। तीन फॉर्म आए, एक हेड ऑपरेटर, दूसरा आया असिस्टेंट ऑपरेटर, तीसरा आया वर्कशॉप स्टाफ को। सबसे पहले हम हेड ऑपरेटर पे क्लिक करते हैं। बता दें, टोटल जो है इसमें जो है आपकी जो पोस्ट है वो 936 है। उम्र की सीमा 20 से 28 साल है, जो 1 जुलाई 2020 से कैलकुलेट होगी। और जो आवेदन है, सभी तीनों फॉर्म के आवेदन 20 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक चलेंगे। और फीस सभी कैटेगरी की 400 रुपये, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 400 ही रखी गई है। अब बात करें हेड ऑपरेटर पोस्ट की, तो इसमें 936 पोस्ट है और इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, CS है, IT ब्रांच में हो सकता है। यहाँ पे आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी दी हुई है और यहाँ कैटेगरी वाइज डिटेल भी दिया है। सिलेबस और नोटिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पे नीचे लिंक मिल जाएगी, मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। अब बात करते हैं दूसरी भर्ती यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर की। तो दोस्तों, इसमें जो है टोटल जो है आपको बता दें 1374 पोस्ट है और उम्र की सीमा इसमें 18 से 22 साल है। ध्यान दीजिएगा, उम्र की सीमा 18 से 22 साल है और जो योग्यता है वो 10+2 है। साथ ही साथ इन्होंने जो दिया है 10+2 में आपका जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात हो गई दूसरी वाली आपकी भर्ती की। अब बात करते हैं तीसरी यानी कि अंतिम भर्ती। जो यूपी पुलिस में तीन भर्ती आज जारी हुई है, उसमें जो अंतिम भर्ती जारी हुई है वो हुई है वर्कशॉप स्टाफ की। इस पर भी हम क्लिक कर देते हैं। तीनों भर्तियों में एक चीज़ कॉमन है, एप्लीकेशन फीस कॉमन है, फिजिकल एलिजिबिलिटी कॉमन है और इम्पोर्टेंट डेट्स जो है कॉमन है, यानी तीनों की जो डेट्स है सब सेम है। लेकिन अगर आपको आवेदन करना है तो तीनों भर्तियों का अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा और तीनों का जो शुल्क है वो आपको अलग अलग देना पड़ेगा। बात करें वर्कशॉप स्टाफ की, तो इसमें जो उम्र की सीमा है वो 20 से 28 साल है। नीचे अगर आप आएंगे तो कुल इसमें 120 पद है, कुल 120 पद है और जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है ITI, या तो फिर आपके पास क्लास 10 जो है पास हो, या तो ITI आपके पास इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, CS, IT, कोपा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, इससे पूरी लिस्ट दी हुई है। इसमें से किसी में आपका ITI हो तो भी आप भर सकते हैं। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जिसको कि आप एक सिंगल क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होगी और 28 फरवरी तक चलेगी। आपको बिल्कुल भी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। जैसे ये फॉर्म शुरू हो जाएगा, फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, उसकी भी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तीनों भर्ती आई हैं, तीनों उत्तर प्रदेश पुलिस की, अभी कांस्टेबल भर्ती नहीं आई है। जैसी कांस्टेबल भर्ती आएगी उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।